आज हम बनाएंगे गणपति बाप्पा के फेवरेट मोदक, जिसे हम बनाएंगे बिना गैस जलाए और एकदम डिफरेंट सी फीलिंग इसके अंदर भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गणपति जी हम सबके घर पे आने वाले हैं 10 दिन के लिए, और आप सबको मोदक की रेसिपी तो चाहिए होगी। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मोदक की रेसिपी लाई हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कई बार बना चुकी हूँ और मैं सेल भी करती हूँ इनको। और ये मोदक ना बिना गैस जलाए बनाएंगे हम, और इसकी जो फीलिंग होती है ना, क्या बताऊँ, ओसम होती है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं और गैस जलाने का भी कोई झंझट नहीं, और झटपट बन के रेडी हो जाते हैं और अंदर की फीलिंग लाजवाब होती है। तो चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। मोदक बनाने के लिए एक बाउल में हम डालेंगे 2 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट। वेट में देखें तो ये 300 ग्राम है, और इसे हम बनाएंगे आज कंडेंस मिल्क से। पहले हम आधा कंडेंस मिल्क का पैक डालेंगे और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो उसकी जगह आप आधा कप डाल लें मिल्क पाउडर, और 3/4 चाय की पिसी हुई चीनी, और दूध डाल के डो तैयार कर ले। दूध उतना चाहेगा जितने में अच्छे से ये डो बन जाए। और इसमें थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क और डाल लिया है। हमें उतना बेसिकली कंडेंस मिल्क डालना है कि अच्छे से डो बन जाए, चिकना सा, हार्ड ना रहे, नहीं तो ये अच्छे से बंधेगा नहीं। इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बचा था, यानी कि 3/4 कप कंडेंस मिल्क चला गया था टीन का जितना उसमें था। ये देख रहे हैं अच्छे से बन रहा है, बस इतना ही इसमें जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बचा है। ये देख रहे हैं इतना सा बचा है। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है, अभी भी अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप और कंडेंस मिल्क डाल लें। अब फिलिंग के लिए हम लेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू और बादाम। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपको मन करे वो ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। काजू और बादाम को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। बारीक बारीक कट करना है ताकि अच्छे से ये फिल हो जाए। ज्यादा मोटा मोटा रहेगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये देख रहे हैं मैं अच्छे से बारीक बारीक चाकू से काट लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे अब अपनी सीक्रेट चीज, यानी कि ये गुलूकंद। गुलकंद का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। मैं काफी टाइम से ये वाले मोदक बना रही हूँ। सब पूछते हैं कैसे बनाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और जब मैं अपने यहाँ गणपति जी लाती थी ना, अब तो मैं 4-5 साल से नहीं लाई हूँ, और ये वाले मोदक मैंने बहुत बार बनाए और सबको बहुत पसंद आते हैं। ये देख रहे हैं अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा गुलकंद मैं और डाल दूंगी। वैसे भी मुझे इसमें गुलकंद ज्यादा डालना अच्छा लगता है, क्योंकि गुलकंद का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस मोदक में। एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे और झटपट बन जाते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना आपको रेसिपी कैसी लग रही है, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए, ये है मोल्ड। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, जब भी मंगाया था बहुत साल पहले, जब से मैं मोदक बना रही हूँ, जब से ही मैंने इसे मंगाया था। इसे मंगाया मुझे 7-8 साल हो गए हैं। बहुत ही अच्छे हैं ये। एक बड़े साइज का है और एक छोटे साइज का, दोनों का सेट आया था। छोटे वाले साइज से हम बना रहे हैं। इस पे मैं लगा दूंगी देसी घी। देसी घी हल्का सा लगाना है, जिससे 2-3 मोदक बनाए फिर थोड़ा सा देसी घी लगा लें। उससे क्या होगा, ये आसानी से बाहर आ जाएंगे, चिपकेंगे नहीं, शेप नहीं बिगड़ेगी। अब देखिए इसे कैसे भरना है। इसके अंदर फिलिंग को डाल के हाथ से अच्छी तरह से सारी तरफ हमें दबाना है, अच्छे से प्रेस करना है, ताकि ना इसकी शेप आ सके। अगर ये कहीं अच्छे से नहीं लगेगा ना बैटर डो हमारा, तो फिर ना शेप अच्छी नहीं आएगी। और बीच में एक होल रखना है, और इस होल में हम डालेंगे ये फिलिंग गुलकंद वाली। हमें इसके अंदर इसको स्टफ करना है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से इसे हम फिर से डो से कवर कर देंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा यम्मी बनते हैं, और बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर इसका लिंक आपको चाहिए मोल्ड का, तो मैं ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, मगर ये जो मोदक मोल्ड है बहुत अच्छे हैं। ये देखिए हमारा मोदक बन के रेडी हो गया है। मैंने आपको बिना कट करे दिखाया है कि मैंने इसे कैसे बनाया है, तो आप भी इस तरह से अच्छे से शेप दे सकते हैं और इसको बना सकते हैं। और चलिए एक और मोदक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा यमी ये मोदक बनते हैं। गणपति बापा खुश हो जाएंगे ये मोदक खा के। बहुत ही अलग हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करना। और बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगता है, और आपको इवन गैस भी नहीं जलानी है, ऐसे ही ये बन जाते हैं। ये देखिए अच्छे से हमें दबा दबा के उंगली से फिल करना है, ताकि शेप अच्छे से आ सके। अगर कहीं से रह जाएगा ना, तो शेप अच्छी नहीं आएगी। और बीच में गैप बना लेना है। ये देखिए, देख रहे हैं हम कितने अच्छे से दबा दबा के कर रही हूँ इसी तरह से। और फिलिंग को इसमें भरते हैं। जितनी ज्यादा फिलिंग होगी ना, उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। देख रहे हैं मैं कितने अच्छे से फिलिंग भर रही हूँ, और ऊपर से इसे कवर कर देंगे, और हमारा दूसरा मोदक भी बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं सारे मोदक बना लूंगी,
और इतनी डो में ना हमारे आधा किलो के करीब मोदक बनेंगे, जितना मैंने बनाया है ना, 2 कप नारियल के बुरादे में आधा किलो मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने सारे मोदक बना लिए हैं। और ये एक मैंने बड़े साइज का बनाया है, मैं पहले भी ऐसी करती थी, एक मोदक बड़े साइज का बनाती थी। और जब हम पूजा करते हैं तो गणपति बाबा जी के हाथ पे रखते हैं ना एक मोदक, मैं वैसी मूर्ति लाती थी जिसमें गणपति जी बाबा का हाथ खाली हो और उसमें ये मोदक रखती थी। तो मुझे अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब भी मैं मोदक बनाती हूँ। तो इसे हम केसर वाले दूध से अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। देख रहे हैं अच्छा लग रहा है ना, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें नहीं तो स्किप कर सकते हैं। एक एक केसर का थ्रेड मैंने लगा दिया और येलो कलर से देखने में और अट्रैक्टिव और अच्छे हो गए हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, अगर पेज पर नहीं है तो पेज को फॉलो कर लेना। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वीडियो को तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए, वॉच करते रहिए। और आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आई है इसकी। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। अगर आप ये मोदक मुझसे बनवाना चाहते हैं और आप मेरे घर के आसपास रहते हैं, मैं रहती हूँ दिल्ली उत्तम नगर में, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मगर आपको इसके लिए मुझे मैसेंजर पर मैसेज करना होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर